उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम ने चेन्नई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति की पहचान जौनपुर के मूल निवासी मनमोहन मिश्रा के रूप में हुई है। इस व्यक्ति के ऊपर सोशल साइट्स यूट्यूब के जरिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति मनमोहन मिश्रा यूट्यूब पर पीएम मोदी और कोविड-19 को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए चेन्नई न्यायालय की अनुमति के बाद मनमोहन मिश्रा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यूपी के कुछ लोगों ने मनमोहन मिश्रा के वीडियो पर आपत्ति दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि ये कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद का है। वीडियो में कोरोना को लेकर भय फैलाने की भी बात की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने बताया कि गिरफ्तारी कर ली गई है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है।